नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत टीवी पर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा के थाना नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैरा के संतोष कौसले के द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने की सूचना प्राप्त होने पर थाना नवागढ़ पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी संतोष कौसले को पकड़कर उसके कब्जे से बिक्री करने हेतु 50 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। साथ ही आरोपी के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया। आपको बता दें कि आरोपी संतोष कौसले उम्र 42 वर्ष निवासी कैरा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से न्यायिका अभिरक्षक में जेल दाखिल किया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक राजेश कुमार पटेल, उप निरीक्षक लोकेश्वर सदवर्ती, अर्जुन यादव, शिव भोला कश्यप, दिलीप कश्यप का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज दिनों को मुगली द्वारा सूचना मिला कि ग्राम केरा का संतोष कोसले अपने मोटरसाइकिल में अत्यधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहा है। इसकी सूचना प्राप्त कर पुलिस टीम को ग्राम केरा भेजा गया। पुलिस टीम के द्वारा उत्पाद केंद्र के पास इनपुट लगाया गया। आरोपी संतोष कोसले अपने मोटरसाइकिल में अत्यधिक मात्रा में शराब लेकर आया गया, जिस पर उसके कब्जे से 2 20 लीटर की जेरिकेन क्षमता वाले और 1 10 लीटर क्षमता जेरिकेन वाले में कुल 50 लीटर शराब बरामद किया गया। उक्त संबंध में बिक्री करने परिवहन करने के संबंध में उसे नोटिस देने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर मौके पर ही देहाती नाशी पंजीबद्ध किया गया। थाना आकर उक्त आरोपी विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34-259 का के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड में रवाना किया गया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए जांजगीर चांपा से शशिकांत बघेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।